हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती चल रही है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो केंद्र आगे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आगे आने वाले समय में राजस्थान, हरियाणा और बिहार में भर्ती होने वाली है। और 4 अक्टूबर तक देखा जाए तो गुजरात, कर्नाटका और ओडिशा सेंटर पर भी इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती है होने वाली है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस तरीके के ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या जैसा कि आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की, वहाँ पूछी गई है, हो सकता है वह किसी दूसरे एग्ज़ाम में, आगे आने वाले एग्ज़ाम में कार्य की विमा पूछ ले, एनर्जी की विमा पूछ ले। तो आपके लिए बताता चलूं कि विमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विमा पूछी गई थी शक्ति की, तो शक्ति की जो विमा होती है ML2 की होती है, P से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम, P इक्वल टू W/T। W आपका यहाँ कार्य होता है, जबकि T आपकी यहाँ समय होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कार्य की जो विमा होती है ML^2 T^-2/ जो समय है उसकी जो विमा होती है वह T होती है। इस प्रकार इस तरीके से जब ऊपर चला जाएगा तो फाइनली जो पावर की जो विमा आ जाएगी वह आ जाएगी ML^2 T^-3। तो शक्ति की विमा पूछी गई थी। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और जो ग्रेविटी होती है उसके मध्य संबंध पूछा गया था, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। ये इन दोनों के मध्य के फॉर्मूला है, इसको भी देख सकते हैं। यह एम है जो कि मॉस को प्रेजेंट करता है, जबकि जो आर है किन्हीं दो ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि g जो है वह ग्रेविटी है, और वहीं G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। वैद्युत विभव की इकाई पूछी गई थी, तो जो वैद्युत विभव है उसकी इकाई वोल्ट होती है, तो इकाई भी पूछी जा रही है। इकाई को एक बार अवश्य पढ़ जाएँ, तो एक क्वेश्चन थ्योरी बेस पर पूछा गया था, एक व्यक्ति को अपना वास्तविक चित्र से बड़ा चित्र देखने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो एक व्यक्ति को अपने चित्र से, वास्तविक चित्र से बड़ा चित्र देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। श्यानता का फॉर्मूला पूछा गया था, जबकि जो श्यानता का फॉर्मूला होता है, श्यानता को हम ईटा से प्रेजेंट करते हैं। ईटा का आप यहाँ से साइन भी देख सकते हैं, F/A/dvx/dz। तो जो एफ है वह फोर्स है, वहीं ए देखा जाए तो एरिया है आपका, और dvx आपका जो कण होती हैं, जो द्रव होता है उन कणों के जो सापेक्ष गति होती है, जबकि dz आपका डी सफिक्स में जेड। तो डी सफिक्स में जो जेड होता है आपका, वह उन कणों के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी मूल राशि कौन सी नहीं है इसमें से, तो मूल राशि आपकी शक्ति नहीं है, आंसर डी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निर्वात में ध्वनि की चाल पूछी गई थी, तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वह 332 मीटर/सेकेंड होती है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर/सेकेंड होती है, अर्थात 300,000 मीटर/सेकेंड होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह दो प्रतिरोध R1 तथा R2 जिनके मान 4 और 4 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इनका जो जब प्रतिरोध अर्थात जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इसके समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/R=1/R1+1/R2। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/R=1/4+1/4। तो यहाँ आपका लास आ जाएगा 4, तो आपका जो फाइनली आंसर है 2/4, और आपका जो फाइनली आंसर है वह आ जाएगा 2। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ इंग्लिश पर आते हैं, तो यही थे फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन जो को मुझको प्राप्त हुए थे, एक कैंडिडेट ने भेजे थे। तो आइए चलते हैं इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल पूछा गया था, ऑनर्स के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो ऑनर के साथ एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, ऑनर। एक एरर पूछी गई थी आपकी ईच ऑफ से संबंधित, तो आज जैसा कि आपको मालूम है, ईच ऑफ, नैदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनके साथ सिंगल सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। सिनोनिम्स पूछा गया था आपका प्लीजर का, प्लीजर का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह जॉय हो जाएगा, आनंदित अर्थात खुशी। आपका एंटोनिम पूछा गया था एनिएशियंट, और जो एनिएशियंट होता है उसका मतलब होता है प्राचीन, जबकि इसका जो
एटोनिम हो जाएगा मॉडर्न अर्थात नया। वन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार इनको भी देख जाएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, और एक एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया था। जब आपका जो मिस वर्ड पूछा गया था वो 100 से संबंधित पूछा गया था, 100 की जो स्पेलिंग थी वो रॉन्ग आई थी, आपको 100 की स्पेलिंग करेक्ट बतानी थी, तो आप यहाँ से 100 की स्पेलिंग देख सकते हैं। एनर्जी की वर्ब पूछी गई थी, तो एनर्जी की जो वर्ब होती है वह एनर्जेटिक और एनर्जाइज होती है, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आपके पेपर में जो ऑप्शन दिए गए थे आप इसके अकॉर्डिंग वहाँ से टिक कर सकते थे। आपकी एक प्रीपोजिशन पूछी गई थी, ए बॉय लुक, यहाँ प्रीपोजिशन आपको प्रयोग करना था, तो यहाँ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा, ए बॉय लुक एट मी। मैथ का सॉल्यूशन लेके आऊँगा, जो मैथ के क्वेश्चन मुझको प्राप्त हुए अभी पूरी तरीके से नहीं आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होता है तो मुझे अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505824522, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना रिव्यू शेयर कर सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।